फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और नील की किचन में आपका स्वागत है। चाय का टाइम हो गया और बच्चों की तो डिमांड रहती है कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए, तो आज मैं उनके लिए थोड़ा सा स्नैक्स बना रही हूँ। बाहर से लाने से अच्छा है कि घर पर ही बना के देखते हैं। इसके लिए मैंने आज लिया है थोड़ा सा मैदा, आलू, मीठा सोडा और ये मेरे मसाले, नमक, धनिया, मिर्च, काली मिर्च और अमचूर। इसको बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम मसाला तैयार करेंगे, तेल ज़्यादा ना लें, थोड़ा ही है। तेल को गरम करते हैं। तेल गरम होता है इतनी देर में इन आलू को फॉर्क की मदद से थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। ये खाने में बहुत ही बढ़िया बनेंगे और ऐसा लगेगा जैसे तो समोसे खा रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। आलू डाल दिए हैं और ये मेरे मसाले, अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल जैसे मसाला आलू बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए आप इसको। ये आलू मेरे रेडी हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर देते हैं, गैस कर देते हैं बंद। अब हम ये जो मैदा है उसको एक बाउल में डाल देते हैं, इसको हम एक आटा गूंथ देंगे। थोड़ा सा हम लेंगे इसमें मीठा सोडा और इसको डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा इसमें मोन के लिए हम तेल यूज करेंगे। सब चीज़ें लेके अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तेल को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एकदम बढ़िया आटा गूंदे हमारा। मोन ऐसा हो कि मतलब आटा हमारा एक मुट्ठी में ऐसे बन जाए। पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा भून के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा मेरा तैयार हो गया, देखिए एकदम सॉफ्ट आटा है। ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, बिल्कुल ठीक सा आटा रखिएगा। देखिए अब हम इस आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये डो मेरा रेडी है, अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। तेल मैंने साथ के साथ चढ़ा दिया है अपने पैन में, तो हम इसको रोटी की तरह बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूखा मैं आटा डस्ट कर देती हूँ ताकि बेलने में आसानी हो। देखिए मैंने ये दोनों बेल लिए हैं, अब मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगा दूँगी। मैं थोड़ा सा सूखा था डस्ट कर दूँगी। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और बेल देंगे। जो हमारा हमने आलू का बनाया था ये हम इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको इसके ऊपर फैला दिया। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। ये मैंने सारे इस तरह से कट कर दिए। अब आप इसको उठा के देखेंगे तो ये कुछ
कुछ इस तरह का ट्राइंगल शेप में आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा आराम आराम से ऐसे आपको स्लाइस मिल जाएंगे। अब हम इसको धीरे धीरे रोल कर देंगे हल्का सा दबा के ताकि वो हवा में हो जाए। ये इस टाइप के हो जाएंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से लगेंगे। अब हम इसको फ्राई कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए अब मेरे ये अच्छे से सेक चुके हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मेरे ये स्नैक्स रेडी हैं और इनको सॉस के साथ या इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ खाइएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।